राजद के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट किया है कि गेंद जेडीयू के नेतृत्व के पाले में, जिन्हें समझना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों की सामूहिक रूप से भाजपा में शामिल होने के घटनाक्रम का मकसद पुरानी बातों का बदला लेना। तिवारी ने एक दशक पहले की बात याद दिलाई जब नीतीश ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग लेने आए पटना में नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज रद्द कर दिया था। मोदी भूलने या माफ करने वाले नहीं है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार ने तब साफ कर दिया था कि उन्हें भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। ऐसे में मोदी ऐसे आदमी हैं जो इस चीज को भूलने या माफ करने वालों में से नहीं है। वहीं चिराग पासवान के विरोध का हिस्सा यह है। कुछ समय तक जेडीयू के साथ रह चुके राजद के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का घटनाक्रम चिराग पासवान के विद्रोह के साथ शुरू हुआ और आज यहां खत्म हुआ। लोजपा अध्यक्ष पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजग के समर्थन वापस ले लिया था और नीतीश को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया था। लोजपा को चुनाव में ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने कई सीटों पर भाजपा के बागियों को उतार कर जेडीयू के वोट बैंकों को खत्म कर दिया। तिवारी ने कहा कि भाजपा की राजनीति पहले ही नीतीश कुमार के कद छोटा करने की थी, जिसमें वह विधानसभा चुनाव में सफल भी हो गए। अब उनसे उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया है। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायक को भाजपा में जाने की ओर क्या कवायतें थीं, जबकि भाजपा पहले ही राज्य में बहुमत में थी।